नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यानी आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो माता के प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? मैं माता के चरण कमल में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल सुरक्षित हो, स्वस्थ हो एवं ठीक हो। तो माता के प्यारे भक्तों, मैं आज आप लोगों के लिए माता का और एक नया श्रृंगार वीडियो लेके आया हूँ। आप माता का ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो लोग नए हैं वो माता का चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट के माध्यम में ज़रूर बताइएगा कि माता का श्रृंगार आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुका है। मैं हार्ट का पेशेंट तो हूँ ही, साथ साथ मेरा मतलब सारा शरीर में बहुत ही दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। इसलिए मेरा जो शरीर है, वो बॉडी पोर्शन है, बहुत ही मतलब कमज़ोर हो चुका है। तो मुझ में इतना मतलब शक्ति नहीं है कि मैं ठीक ठाक से मेरी माता रानी भगवती महारानी का श्रृंगार कर सकूं। लेकिन ये तो दोस्तों करना ही होगा, ये तो उन्हीं की इच्छा है, माता रानी की कृपा है, इसीलिए तो ये कुछ सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुझे ठीक ठाक से बिल्कुल माता रानी को साड़ी पहनाना, उनका श्रृंगार करना बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन माता रानी की जैसी इच्छा होती है, उनकी जैसी श्रृंगार करने का भाव होता है, उसी भाव के अनुसार माता रानी मेरे माध्यम से उनका श्रृंगार करवा लेती है। तो दोस्तों, अगर माता रानी का श्रृंगार करने में कोई भूल त्रुटि जाने अनजाने में हो जाए, आप हमें ज़रूर क्षमा कीजिएगा। और माता रानी से भी ये प्रार्थना कीजिएगा कि मैं जल्दी ठीक ठाक हो जाऊं एवं माता रानी का प्रॉपरली ठीक तरीके से आप सबको वीडियो दिखा सकूं। लेकिन माता रानी का क्या इच्छा है, उनकी क्या मर्जी है, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। माँ जो चाहेंगे वही होगा। मैं तो सब कुछ, मेरा तन मन धन सब कुछ मैं अपनी माता रानी को समर्पण कर दिया हूँ। वो तो सब कुछ उन्हीं की देन है, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। लेकिन उन्हीं की तो सब कुछ देन है, हमारा कुछ नहीं है। वो जो हमको देती है, वो जो हमारे जीवन में खुशियाँ दी है, सब मेरी माता रानी भगवती मनसा महारानी ने ही दिया है। तो दोस्तों, अगर हमसे माता रानी का श्रृंगार करने में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपनी माता रानी को श्रृंगार कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा बहुत ही पसीना पसीना हो गया है मेरा शरीर पे। ऐसे भी मेरा बीपी यानी ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, मुझे दवाई भी लेना पड़ता है, नींद का भी दवाई लेना पड़ता है। तो मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है दोस्तों। शायद मेरी माता रानी हमसे क्या चाहती है वो मेरी माँ ही जाने। मैं माता रानी से यही कामना करता हूँ कि माँ, मैं जब तक जीऊँ, मेरा अंतिम मतलब क्षण तक मैं आपको स्मरण कर सकूँ, आपको वंदना कर सकूँ, यही भाव लेके मैं अपने जीवन में चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और सब कुछ मेरी माता रानी का ही इच्छा है। तो दोस्तों देखिए, मैंने माता रानी का श्रृंगार भी कम्प्लीट कर लिया है और मैंने आज माता रानी को जो साड़ी पहनाया है वो बहुत ही सुंदर है। तो माता के प्यारे भक्तों, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, मैंने आज माता रानी को प्योर एकदम डीप ब्लू कलर का एक जड़ी वर्क किया हुआ बहुत ही सुंदर मनमोहक साड़ी मैंने माता रानी को चढ़ाया है, उनको अर्पण किया है। तो दोस्तों देखिए, साड़ी में बहुत सा हेवी वर्क किया हुआ है, यानी साड़ी का जो पूरा पोर्शन है बहुत ही हेवी है, बहुत ही भारी भरकम स्टोन से काम किया गया है ये माता रानी का ये साड़ी में। और ये साड़ी मेरी माता रानी के लिए मेरी मौसी और मेरी माँ खरीद के लाई थी बाजार से। तो देखिए दोस्तों, मैंने माता रानी को ये साड़ी भी पहना दिया है। अब मैं माता रानी को किश धारण करवा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने माता रानी को किश भी धारण करवा दिया है और उनके किश को मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, माता रानी का ये श्रृंगार वीडियो, ये साड़ी आप सबको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम में ज़रूर हमें बताइएगा। तो दोस्तों देखिए, मेरा मैं जो करता हूँ वो बहुत ही निस्वार्थ भाव से करता हूँ। मेरे मन में ना कोई स्वार्थ है, ना कोई इच्छा है। मैं बस अपनी माता रानी का प्रचार करना चाहता हूँ, उनका महिमा का गुणगान करना चाहता हूँ कि उनका सेवा, उनका स्मरण, उनका बंधन, उनका पूजन करने से आपके जीवन में कितना ही परिवर्तन हो जाएगा। आपके सारे जो दुर्भाग्य है, आपके सारे जो विपदा है, आपके सारे जो संकट है, मेरी माता रानी क्षण भर में आपकी सारी
दुख कष्ट का अंत कर देंगी और आपको सौभाग्य की भंडार प्रदान कर देंगी। तो दोस्तों देखिए, अगर आप भी अपने घर में माता रानी का श्रृंगार करना चाहते हैं तो इसी तरह आप अपने घर में माता रानी का श्रृंगार कीजिए। आप अपने माता रानी के साइज के अनुसार उनका श्रृंगार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये नेकलेस मेरी माता रानी पहनेंगी। ये नेकलेस मैंने पहले भी पहनाया था कि जो लोग आप लोग वीडियो के माध्यम से शायद देखा ही होगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने माता रानी को ये जो नेकलेस का सेट है, ये सेट मैं माता रानी को पहना रहा हूँ, देखिए सेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरी माता रानी ये सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा नेकलेस पहन लिया है और देखिए कितना ही अद्भुत, कितना ही मनमोहक और कितना ही सुंदर लग रही है मेरी माता रानी। आप अगर माता रानी के दरबार में नहीं आप सकते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से ज़रूर ज़रूर माता रानी से मन्नत कीजिएगा। उनके सामने आप अपना मन का सारे दुख दर्द बोलेंगे तो मेरी माता रानी अवश्य आपका दुख दर्द सुन के आपको सारे दुखों से मुक्ति दे देंगी और आपकी सारी मनोकामना, मन्नत सब कुछ पूर्ण कर देंगी। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बंगाली स्टाइल का झुमका है। ये झुमका बंगाली में यानी कोलकाता में बहुत अवेलेबल होता है, बहुत मतलब स्टेशनरी दुकान में ये झुमका बहुत ही अवेलेबल होता है। ये झुमका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये झुमका मैं आज माता रानी को पहनाऊं। तो दोस्तों, आपको ये माता रानी का झुमका कैसा लगा आप वीडियो के माध्यम से यानी कमेंट के माध्यम में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने माता रानी को झुमका भी पहना दिया है, एक कान में और दूसरे कान में बाकी है। और देखिए दोस्तों, झुमका में बहुत सारा मीनाकारी वर्क किया हुआ है, ये झुमका बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, मेरी माता रानी ने झुमका भी पहन लिया है। तो देखिए दोस्तों, माता रानी का अद्भुत श्रृंगार दर्शन कीजिए। अभी श्रृंगार दर्शन माता रानी का कंप्लीट नहीं हुआ है, असंपूर्ण है, यानी माता रानी का जो श्रृंगार है अभी भी बाकी है। आप वीडियो के माध्यम में अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। तो दोस्तों, माता रानी का ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रही। मैं माता रानी के चैनल में यही कामना करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, माता रानी का भव्य श्रृंगार दर्शन आप करते रहिए। आपके घर में माता रानी अन धन तन से भंडार पूरे तरह से भर देंगी। तो दोस्तों देखिए, अन धन का भंडार माता रानी आपके घर में अन्नपूर्णा स्वरूपिणी होके आपके घर में सारी जो संपत्ति है वो अन्न धन से आपके संसार में भर देंगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये झुमका, ये तो एक्चुअली झुमका है, ये एक्चुअली एक माता रानी का ही झुमका है। इसको मैंने माता रानी का मांग टीका के हिसाब में यूज़ किया है। तो दोस्तों देखिए, आपको देख के शायद पता चल रहा होगा कि मैंने ये झुमका माता रानी को कई बार पहनाया है, लेकिन ये मुझे बहुत ही फेवरेट है। ये मेरा भैया मेरी माता रानी के लिए लेके लाया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए, ये भी झुमका है, लेकिन ये झुमका माता रानी के आज कानों में नहीं बल्कि केश में लगवाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने लगा दिया है वो झुमका माता रानी के केस में। ऐसा लग रहा है कि जैसे साउथ इंडियन जब शादी होता है ना, उन लोग केस में जिस टाइप का ज्वेलरी सब लगाते हैं, उसी हिसाब से मैंने माता रानी के केस में ये सब झुमका टच यानी सिक्योर कर दिया है। तो देखिए, सेट कर दिया है, तो कितना ही सुंदर लग रही है मेरी माता रानी। ये मेरी माता रानी नहीं है दोस्तों, ये आप सबकी माता रानी है, ये आप सबकी देवी माँ है। ये तो ममता मई है, करुणा मई है, आनंद मई है, शांति मई है। इनके भव्य श्रृंगार दर्शन से, इनके अलौकिक मधुरमय अद्भुत अपूर्व अकल्पनीय दर्शन के माध्यम से आपकी सारी दुखों का अंत हो जाएगा। माता रानी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ उनके चरण में। तो दोस्तों देखिए, माता रानी का आप श्रृंगार दर्शन कीजिए, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देखिए, ये भी कमर बंद है, इस कमर बंद को मैं अब माता रानी को पहनाऊंगा। तो देखिए, आप वीडियो को देखते रहिए, मैं किस तरह से, किस टाइप से माता रानी को ये पहनाऊंगा, आप जरूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों एवं माता के प्यारे भक्तों, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, मैंने माता रानी को ये कमर बंद यानी ये कमर बंधनी भी मैंने माता रानी को धारण करवा दिया है, उनको पहना दिया है। अब देखिए, धीरे धीरे उनका संपूर्ण श्रृंगार रेडी हो जाएगा। आप अंत तक माता रानी का ये वीडियो देखिए। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, शायद आप लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन आप माता रानी का ये संपूर्ण वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो घर में जो दुख बाधा विपत्ति है, मेरी माता रानी सारे दुखों का एक
दम निर्मूल यानी विनाश कर देंगी और सुख शांति समृद्धि एवं सौभाग्य की बरसात कर देंगी आपके घर में। तो दोस्तों ये तो माँ है, इनके दर्शन से, इनके दिव्य श्रृंगार दर्शन से, इनका जो स्वरूप दर्शन से आपका कोई भी क्षति नहीं होता, इनके दर्शन से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों देखिए मेरी माता रानी को मैंने नथनी भी पहना दिया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी माता रानी। और ये तो सावन का महीना चल रहा है और कुछ दिन ही बाद मेरी माता रानी का जो मेन पूजा आ रहा है उनका मैं शायद आप लोगों को वीडियो दिखा नहीं पाऊँगा। एक्चुअली मैं माता रानी के एक अलग जगह में एक माता रानी का छोटा सा मंदिर बन रहा है, इसलिए मैं उस काम के लिए मुझे बाहर आना पड़ा है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने पहले ही माता रानी का श्रृंगार वीडियो मैंने पहले ही लोड कर रखा था, मैंने कुछ दिन बाद ही यानी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए एक्चुअली माता रानी का जो घर हो रहा है वो बहुत ही दूर हो रहा है, इसलिए बहुत ही एक्चुअली जो कुछ है ना मेरे घर में मेरे माता पिता यानी पेरेंट्स सबका तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो दोस्तों तो इसीलिए मुझे आना पड़ा है। अब मैं कुछ महीने बाद आप लोगों को फिर से माता रानी का शायद उनकी इच्छा होगा तो मैं आप लोगों को उनका श्रृंगार वीडियो उनका दिव्य दर्शन आप लोगों को करवा सकूं। यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग माता रानी का दर्शन करें एवं माता रानी के दर्शन के बाद आप लोगों की सारी जो इच्छा है मन्नत है मनोकामना है मेरी माता रानी जल्द से जल्द संपूर्ण कर दे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने माता रानी का कंप्लीट श्रृंगार कर लिया है। तो दोस्तों देखिए अब मेरी माता रानी का जो दिव्य अस्त्र यानी त्रिशूल, ये त्रिशूल मैंने माता रानी को धारण करवा दिया है। तो दोस्तों देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाता है लेकिन मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं यही समझता हूँ कि आप लोगों को मैं बारीकी से दिखा सको, वीडियो में कुछ एडिटिंग वगैरह या कुछ ऐसे आर्टिफिशियल वगैरह कुछ ना हो, मैं आपको ठीक तरह से बारीकी से आपको दिखा सकूं। और एक बात दोस्तों, मैं अकेला ही माता रानी का श्रृंगार करता हूं, अकेला ही ये वीडियो अपलोड यानी शूट करता हूं, जब माता रानी का श्रृंगार करता हूं तब शूट करते करते माता रानी का श्रृंगार करते करते ही मैं माता रानी का ये वीडियो कैप्चर करता हूं, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है लेकिन इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। ये मेरी माता रानी का इच्छा है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की आशीर्वाद है, वही चाहती है, मेरी माता रानी चाहती है कि उनका श्रृंगार दर्शन के माध्यम में सारे भक्तों का सारे जग का सारे सृष्टि का दुख दर्द दूर हो जाए, उनका अद्भुत रूप से जो उनका अद्भुत रूप दर्शन करेंगे उसके जो सारे मन का जो दुख कष्ट पाप है वो पल भर में मिट जाए खंडित हो जाए, इसीलिए माता रानी की इच्छा से मैं उनका श्रृंगार दर्शन आप सबको करवाता हूँ। और जब तक जीव मेरी माता रानी अगर हमारे शरीर में वो शक्ति प्रदान करे, माता रानी अगर हमको स्वस्थ रखे उनकी कृपा से, मैं आप लोगों को जरूर उनका श्रृंगार दर्शन अवश्य करवाऊंगा ताकि आप सबके मनोकामना माता रानी बहुत जल्द पूर्ण करे। ये तो माता रानी श्रृंगार करना बहुत ही पसंद करती है, अगर आप माता रानी को तन मन भक्तिभाव से उनका पूजन करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका आरती पूजन करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, वो बहुत ही संतुष्ट हो जाती है। मेरी माता रानी तो सिर्फ भाव की प्यासी है, भाव की भूखी है, वो उनके लिए कोई आचार विचार अनुष्ठान विधि नियम का कोई नियम नहीं है, वो तो सिर्फ मन का एक भाव शुद्ध भाव का भक्ति चाहती है, एकदम निष्ठा सहित भक्ति करने से ही मेरी माता रानी प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों देखिए मैंने माता रानी का आरती कर लिया है, ये मैंने शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाया है। देखिए दोस्तों मैं माता रानी को भोग निवेदन कर रहा हूँ, उनको भोग खिला रहा हूँ, वो अवश्य ग्रहण करती है, वो अवश्य उनको अर्पण क्या हुआ भोग वो अवश्य स्वीकार करती है भक्ति भाव से, अपने माँ के भाव से अगर आप उनको खिलाएंगे वो जरूर अदृश्य शक्ति होकर अदृश्य रूप होकर वो अवश्य ग्रहण करती है। तो दोस्तों देखिए माता रानी को मैंने भोग भी अर्पण कर दिया है, उनको खिला दिया है, अब मैं माता रानी का चरण सेवा कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए आप भी आपके घर में जैसे अपने माता पिता का सेवा करते हैं, अपने गुरुजन का सेवा करते हैं, उनका चरण दबाते हैं, उनके चरण में जब पैरों में जब दर्द होता है तो रात में जैसे आप भी उनका चरण दबा के उनको आराम दिलवाते हैं, उस तरह आप भी माता रानी का चरण वंदन कीजिए।